पुलिस ने पटाखे जैसी आवाज और इसकी तेज आवाज करने वाली बाइक पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में जब्त 750 साइलेंसरों को चौराहे पर रोड रोलर से नष्ट कराया गया है। सड़कों पर तेज आवाज के साथ बाइक लेकर जो गुजरते थे, अब उन बाइकों पर एक्शन लिया गया है। मैं बताना चाहूंगा, सेक्शन 52 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है और हाईकोर्ट ने भी इसमें टिप्पणी करी और ये निर्देश दिया है कि जो भी बुलेट्स या मोटरसाइकिल कंपनी से परचेज आप कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि मैं परमिसिबल लिमिट की बात करूं तो 80 डेसिबल एक लिमिट तय की गई है जिसमें आवाज़ आती है साइलेंसर के बाहर, पर हमने जब इन मोटरसाइकिल्स से जिनसे साइलेंसर उतारे हैं उनको जब नापा तो उसकी लिमिट लगभग 120 से 150 डेसिबल के आसपास आती थी, जो कि परमिसिबल नहीं है। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा लगातार, हमारे ट्रैफिक विभाग द्वारा इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बागपत में गोलीकांड की घटना सामने आई है। बेखौफ बदमाशों ने रोडवेज बस के हेल्पर को गोली मारकर घायल कर दिया और गोली लगने से घायल हेल्पर को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे बड़ौत सीओ और कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हेल्पर का नाम जसवीर सिंह बताया जा रहा है। जसवीर सिंह रोडवेज बस पर हेल्पर का काम करता था और आज ड्यूटी से वापस लौटने के बाद शराब ठेके के बाहर खड़ा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मार दी। चश्मदीदों ने बताया कि 3 राउंड फायर होने की आवाज आई है। ये जसवीर है शायद इसका नाम, हमारे पड़ोस से ही है। ये मिनी बस पे हेल्पर ही या कंडक्टर ही कर रहा था पहले, इसका रिकॉर्ड रहा होगा कुछ, वो तो हमें पता नहीं, जैसे भी रहा होगा। अब तो बिल्कुल नॉर्मली था, जॉब करनी और आगे जिस दिन फ्री होना एक दो दिन शराब वराब पीनी। प्रतापगढ़ में एक युवक कोर्ट मैरिज के बाद दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। वो बारात लेकर लड़की के दरवाजे तक पहुंच गया, तभी उसकी पहली पत्नी को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस को सूचना देकर बारात रुकवा दी। जब दुल्हन वालों को दूल्हे की हकीकत का पता चला, उन्होंने दूल्हा समेत बारातियों को बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर गई जहां पर पंचायत चल रही है। पूरा मामला आसपुर देवसरा थाना इलाके के केवटली गांव का है। लड़की पक्ष के परिजनों का कहना है कि शादी में 3,28,000 रुपए खर्च हुए हैं, वो सब पैसा दे दे तब जाकर हम इनको छोड़ेंगे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है और उभय पक्ष अभी थाना आसपुर देवसरा पर बैठे हुए हैं। इनकी आपस में बातचीत चल रही है। पहले का कुछ मतभेद था जिसको लेकर के इनका विवाद हुआ था, दोनों लोग बैठे हुए हैं आपस में। अब इस संबंध में जांच के उपरांत और उभय पक्षों के वार्ता के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में दोनों पक्ष बैठे हुए हैं, जिस स्तर से जो विधिक कार्रवाई अनुमन्य है वो की जाएगी। मथुरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गोवर्धन इलाके का है। युवक का शव झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। घटना की सूचना पर सीओ इंस्पेक्टर भी पहुंचे। युवक के सीने में गोली मारी गई है और फिर गले में रस्सी से फंदा लगाकर शव को फेंका गया है। शव के पास मिले आधार कार्ड से पता चला है कि युवक का नाम अमित पाल है और वो औरंगाबाद का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात शव मिलने की सूचना थी, हम लोगों ने आके यहाँ देखा। FSL टीम आ रही है, उसकी तलाशी ली गई। उसके आधार कार्ड के मुताबिक यह खादर का रहने वाला है, अमित पाल नाम है और 2 दिन पहले से इसकी गुमशुदगी थाना सदर में लिखी गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, PM के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। सिद्धार्थनगर में मोहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बदमाश के 2 और साथियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की 10 बाइक, नशीली दवाएं बरामद कर ली हैं। तीनों को जेल भेज दिया गया है। SP ने पुलिस की टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।